हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, इंडियन आर्मी ने आर्मी में धर्म शिक्षक के पदों पर आवेदन मांगे हैं। धर्म शिक्षक जो कि जूनियर कमीशन अधिकारी होता है, JCO रैंक का अधिकारी होता है, सूबेदार रैंक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पदों का विवरण आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, सबसे पहले है पंडित, इसमें 118 वैकेंसीज़ हैं। पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए 7 वैकेंसी हैं। इसके बाद ग्रंथी है 9 वैकेंसी, मौलवी सुन्नी 9 वैकेंसी, मौलवी सिया लद्दाख स्काउट के लिए, और एक वैकेंसी है केवल लद्दाख की मुस्लिम सिया अभ्यर्थियों के लिए। फिर है पादरी की वैकेंसी, बिशप की 4 वैकेंसीज़ हैं, एंड बौद्ध सन्यासी महायान लद्दाख स्काउट के लिए 4, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे योग्यता देख लेते हैं, आप क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। तो देखिए, जो धर्म शिक्षक होता है, इसमें बटालियन पंडित भी बोलते हैं इसको, बहुत जगह पे आपने सुना होगा। तो सबसे पहले देखिए, आयु सीमा की बात करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2020 को एज काउंटिंग होगी। तो मिनिमम आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 34, ठीक है। 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 34 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और बात करें एजुकेशनल क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले पंडित और पंडित गोरखा के लिए, जो हिंदू अभ्यर्थी हैं, उनके लिए संस्कृत में आचार्य होना आवश्यक है। संस्कृत में आचार्य मतलब आपका MA होना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, संस्कृत में अगर आप संस्कृत विश्वविद्यालय से डिग्री लेते हैं MA की, तो उसको आचार्य कहा जाता है। BA की डिग्री लेते हैं तो उसको शास्त्री कहा जाता है, ठीक है। या तो आपके पास आचार्य की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास शास्त्री की डिग्री हो, और साथ ही 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा होना आवश्यक है, ठीक है। अगर ये क्वालिफिकेशन आप क्लियर करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ग्रंथी पोस्ट के लिए सिख अभ्यर्थियों ने पंजाबी ज्ञानी परीक्षा पास की हो। मौलवी और मौलवी सिया के लिए मुस्लिम अभ्यर्थियों ने अरबी में मौलवी आलिम या उर्दू में अदीब आलिम की परीक्षा पास की हो। पादरी के लिए देखिए, कोई भी अभ्यर्थी जो गिरजाघर के पादरी द्वारा नियुक्त किया गया हो और अभी भी स्थानीय बिशप की अनुमोदित लिस्ट में हो। और वैसे बौद्ध सन्यासी महायान के लिए बौद्ध पृष्ठ पुजारी होना चाहिए वो, ठीक है। खम्पा लोपेन या राबजम मोनेस्ट्री के प्राधिकार से उनको उसको मतलब कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जहाँ पे काम वाम किया हो। तो ये इसमें क्वालिफिकेशन है दोस्तों। खासकर सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें पंडित है, पंडित की पोस्ट है बटालियन पंडित की, गोरखा रेजिमेंट में भी और वैसे भी, ठीक है। तो ये काफ़ी लोगों के लिए अच्छा एक मौका है। और देखिए, डायरेक्ट वहाँ पे आप जूनियर कमीशन ऑफिसर बन रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट की मैं बात करूँ, आप फिजिकली फिट होनी चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए। फिजिकल में देखिए, जो हाइट है सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर है, गोरखा और लद्दाखी क्षेत्रों के लिए 157 है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए 155 सेंटीमीटर है। चेस्ट सबके लिए 77 होगी, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगेंगे ही मांगेंगे उसमें। और इसके बाद आपका PFT होगा, ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी 8 मिनट में, ठीक है। 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। और साथ ही देखिए, 5000 फीट से 9000 फीट के बीच रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए 30 सेकेंड एक्स्ट्रा होगा, मतलब 8.5 मिनट होंगे। और 9000 से 12000 फीट की ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं हिली एरिया में, उनके लिए 2 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगे, 10 मिनट होंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहले देखिए, प्रारंभिक अनुवीक्षण होगा, तो एडमिट कार्ड होगा आपका, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और चयनित अभ्यर्थियों की जो लिखित परीक्षा है 23 फरवरी 2020 को होगी। सर, इसमें प्रश्न पत्र जो आपके सामने, देखिए प्रश्न पत्र एक आएगा सामान्य ज्ञान का, 40 क्वेश्चन इसमें, माफ़ कीजिएगा, 40 अंक आपको लाने होंगे। कुल प्रश्न इसमें 50 होंगे, ठीक है। और एक प्रश्न के लिए 2 अंक दे ही होगा, और साथ ही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा रिलेटेड होगा आपके स्ट्रीम से, जैसे पंडित की जो करेगा तो पंडित से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, वही आचार्य से रिलेटेड। तो 40 नंबर इसमें भी लाने हैं आपने, और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंकों का एक प्रश्न होगा, 100 मार्क्स का होगा पूरा, ठीक है। क्वालिफाइंग मतलब 40-40 दोनों पोर्शन में लाने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा दिया गया जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका, कैसे कैसे होगा। और फिर आपका 11 सप्ताह का यहाँ पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण राष्ट्रीय एकता संस्थान पुणे में होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, आवेदन कैसे करना है आपने। सबसे पहले आपको ये आवेदन जो करेंगे आप ऑनलाइन करेंगे, केवल www.joinindianarmy.nic.in पे, जैसे आप सोल्जर GD के लिए करते हैं ना, इस वेबसाइट पे वैसे ही अप्लाई करना है। बाकी जो आपकी डिग्री वगैरह है, ये सभी UGC और इससे एफिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी एफिलेटेड नहीं होगी तो बाहर हो जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण कर लें, और जो पंजीकरण की तिथियाँ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण 30 सितंबर से होंगे, ठीक है, 30 सितंबर से आप कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 29 अक्टूबर तक, 29 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सेना ने एक ये भी बोला है, देखिए
एक नोट दिया है, दलालों पर धन व्यर्थ न करें, भर्ती प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड है और दलाल इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, ठीक है। तो ये कंप्यूटराइज्ड पेपर होगा आपका। बाकी अन्य महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। मैं पूरा नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और शौक है उनका इंडियन आर्मी में जाने का, एक धार्मिक शिक्षक बनने का, JCO बनने का, सूबेदार बनने का, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करेंगे तो पक्का हो जाएगा। तो भर लीजिएगा इस फॉर्म को, एंड अपने आसपास भी कोई ऐसे लोग हो तो उनको ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।